ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारे किचन में बन रही है स्पाइसी बहुत ही यम्मी हैदराबादी बिरयानी। तो चलें इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसी बनी है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज लाइक माय वीडियो। सबसे पहले हमें करना ये है कि हमने ये जायफल और जावित्री ले ली है। ये थोड़ी सी जायफल है और जावित्री है और ये 3 से 4 हमारे पास छोटी इलायची है और ये हरा धनिए की गड्डी है आधी और पुदीने की गड्डी है आधी और ये 40 से 50 हरी मिर्चें हैं। हम दोनों को इन दोनों चीज़ों को हमने ब्लेंड कर लेना है। ये हमारे पास चिकन है तकरीबन 1.5 kg। इसके अंदर मैं 1 कप जो है वो दही डाल रही हूँ। हम अपने चिकन को करेंगे मैरिनेट और इसके साथ जो ये जायफल जावित्री और इलायची का मैंने पाउडर बनाया है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और जो हमने अपनी ग्रीन स्पाइसेस सारी जो है हरा धनिया पुदीने का ये मिक्सचर तैयार किया है ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसके साथ साथ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून, नमक ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून क्योंकि हमने ग्रीन चिलीज भी यूज़ की हैं, और धनिया पाउडर डालूँगी 1 टेबल स्पून और काली मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून है। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी हाथ की मदद से और इनको इस पूरे मसाले को अच्छी तरह हम लगा देंगे अपने चिकन पे और इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। ये जी अच्छी तरह हो रहा है मिक्स और इसको अच्छी तरह कर लेना है मिक्स। हमने ये हो गया अच्छी तरह मिक्स। अब मैं इसको ढक दूंगी 15-20 मिनट के लिए जब तक कि हम अपने बाकी का प्रोसेस करते हैं। अब एक पैन में मैं 1 कप ऑयल डाल रही हूँ, उसके साथ साथ मैं 3 मीडियम स्लाइस अनियन ली है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और उसके साथ साथ 1 टीस्पून जीरा, 3-4 काली मिर्चें और 2 तेज़पात मैं इसके अंदर ऐड करके अपनी जो प्याज है उसको हमने इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये जी हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हमने करना ये है कि हमने आधी प्याज को निकाल लेना है और आधी को इसमें इतनी मैंने निकाल ली है और इतनी बाकी छोड़ दी है और इसके साथ मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और अब हम इस ऑयल के अंदर और प्याज के साथ अपना जो हमने मिक्सचर तैयार किया है मैरिनेशन चिकन की वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये ऐड हो गई है और इसको कर लेंगे हम अच्छी तरह मिक्स। और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगी तकरीबन 1 लार्ज लेमन, मैंने स्लाइसेस में काट लिया था। आपके पास अगर 1 नहीं है लार्ज तो आप 2 छोटे डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तकरीबन 25 मिनट्स के लिए हम इसको ढक देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि हमारा चिकन ना गल जाए और हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाएगी। ये जी 25 मिनट्स के बाद इसका लुक कुछ इस तरह आया है। अब देखिए हमारा चिकन बिल्कुल टेंडर हो गया है और हमारी ग्रेवी थिक हो गई है जैसी ग्रेवी हमें चाहिए। और बस इस पॉइंट पर मैं जो है फ्लेम को कर दूंगी ऑफ। अब हम अपने चावल बॉईल कर लेंगे और ग्रेवी आप देखें बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और थिक भी नहीं है, इस तरह की ग्रेवी हमें चाहिए। चावल मैंने बॉयल्ड होने के लिए रख दी हैं, इसमें जस्ट मैंने नमक डाला है और कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है। नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप डाल सकते हैं। और ये ज़बरदस्त से हमारे चावल हो गए हैं बॉयल्ड। मैंने सेला चावल लिए हैं, ये 1 kg सेला चावल हैं। अब इनको मैं कर लूँगी ड्रेन और अब जी हमारी तमाम चीज़ें तैयार हैं, बस हमें तय लगानी है अपनी बिरयानी की। और ये हैदराबादी बिरयानी बहुत ही मशहूर है और बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही मज़े की बनी थी, मेरे घर वालों को तो पसंद आई। तो अब नीचे थोड़े से चावल मैं छोड़ दी हूँ और ग्रेवी थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ ताकि हो ये कि अगर हमारे चावल जो है वो नीचे लगे ना। अब ये तमाम चावल मैंने ऊपर डाल दिए हैं और जो हमने अनियन निकाली थी फ्राई करके
वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, और थोड़ा से पुदीने के पत्ते स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं अपनी तमाम जो ग्रेवी है हमारी चिकन की वो ऐड कर दूंगी, और इसके साथ साथ मैं इसके ऊपर जर्दा रंग स्प्रिंकल कर दूंगी थोड़ा थोड़ा करके। आप चाहें तो पानी में मिला के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पाउडर फॉर्म में डालती हूँ। और अब हम इसको रख देंगे ढककर 15 मिनट के लिए दम पे आने के लिए। ये जी 15 मिनट हो गए हैं, देखिए ज़बरदस्त सा हमारी बिरयानी का लुक आ चुका है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और ये गरम गरम हमारी हैदराबादी चिकन बिरयानी बिल्कुल तैयार है, मज़ेदार। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी बिरयानी कैसी बनी। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं कर लूँगी डिश आउट, और यकीनन आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, तो जाएं और बनाएं अभी हैदराबादी बिरयानी। और ये भी ज़बरदस्ती हमारी हैदराबादी हो गई बिरयानी हो गई डिश आउट। तो अपना रखिएगा बहुत ख्याल, और मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।